हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद आर दैट में। आज हम प्रमुख स्तंभ लेख और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। प्रमुख स्तंभ लेख कौन है, उनसे संबंधित उनका स्थान कहाँ है और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन है, ये इस वीडियो में जानेंगे। देखो, स्तंभ लेख और स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है, स्थल वहाँ कहाँ पर, उससे संबंधित व्यक्ति कौन है, इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करेंगे। जैसे पहला है बौद्ध स्तंभ। पहला है कौन सा है? बौद्ध स्तंभ। बौद्ध स्तंभ कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। एमपी जहां पर लिखा है, इसका एमपी का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। कहां है हमारा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में किससे संबंधित है? राजा वासुदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजा वासुदेव से संबंधित है। गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो भी एमपी में स्थित है। गरुड़ जो स्तंभ लेख है वो भी एमपी में स्थित है। वो किससे संबंधित है? भागभद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? भागभद्र से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्त जो प्रयाग वो स्तंभ है, स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित? प्रयाग में। प्रयाग पूर्व नाम क्या था पहले इसका? इलाहाबाद था। इलाहाबाद में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्त लेख जो है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। हम एरण स्तंभ की बात करें तो एरण स्तंभ लेख जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वो किससे संबंधित? ये भी समुद्रगुप्त से संबंधित है। मथुरा स्तंभ लेख जो है वो उत्तर प्रदेश में है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है मेहरौली। मेहरौली किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो याद रखना, ये गुप्त साम्राज्य के हैं। ये गुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य से हैं। ये जो इतने जो प्रशस्त लिखे गए हैं ये सब गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त साम्राज्य। फिर अगला, इसे हमारा दूसरा अगला कौन सा है? ये हमारा भीमसर। क्या है? भीलसड़ स्तंभ लेख। ये भीलसड़ स्तंभ लेख है कहाँ पर? एटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एटा में स्थित है। एटा कहाँ? वो भी उत्तर प्रदेश में। एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो भीलसड़ जो है वो एटा उत्तर प्रदेश में है। और ये किससे संबंधित है? ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। उसके बाद में हम भितारी स्तंभ लेख की बात करें तो भितारी स्तंभ लेख गाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। यह किससे संबंधित है? ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बारे में हम बिहार स्तंभ लेख की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार स्तंभ लेख, तो बिहार स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ स्थित है। यह किससे संबंधित है? ये भी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त से कौन कौन से हैं? भितारी और बिहार। एरण स्तंभ लेख, वैसे एरण तीन है। एक एरण सागर है, ये भी एरण सागर है, ये एरण हमारा एरण स्तंभ लेख है। केवल एरण स्तंभ लेख है। तो एरण ये तीन है। तो एरण स्तंभ लेख ये वाला है वो मध्य प्रदेश में। वैसे है तो तीनों मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में। वैसे कौन कहाँ किससे संबंधित है? तो ये हमारा बुद्धगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धगुप्त से। एक बुद्धगुप्त से है, एक भानुगुप्त से है, और एक हमारा किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तीन जो स्तंभ लेख हैं वो है तीनों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। एक हमारा एरण लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। एक हमारा एरण स्तंभ लेख जो है वो बुद्धगुप्त से है। एक जो है वो भानुगुप्त से है। फिर बारहवां स्तंभ जो लेख है वो तालगुंडा स्तंभ लेख है। वो कहाँ है? मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। और ये किससे संबंधित है? तो ये शांति वर्मन से संबंधित है, या मयूर वर्मन को मयूर शर्मन भी कहा जाता है, तो इनसे संबंधित है। तो ये हमारे 12 स्तंभ लेख थे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।